राजस्थान में लोकसभा चुनाव का दंगल भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पहले बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। अब ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। हनुमान बेनीवाल पर धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज हो गया है। दरअसल मामला नागौर में मतदान के दिन कुचेरा में हुई झड़प से जुड़ा है। मतदान के बीच राजस्थान के नागौर सीट पर भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थकों में मारपीट की घटना सामने आई थी। इसके बाद हनुमान बेनीवाल का एक बयान आया जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों को वहीं रहने के लिए कहा। इसके बाद हनुमान बेनीवाल कुचेरा पहुंचे और अपने समर्थकों को संबोधित किया। प्रशासन ने उन पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बेनीवाल ने कुचेरा में भीड़ को संबोधित किया था, इसलिए कुचेरा थानाधिकारी ने इस संबंध में मामला दर्ज करवा दिया। बेनीवाल विधायक हैं, इसलिए मामले की जाँच CID CB करेगी।